तो हाय गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको डॉल्बी एटमॉस के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक सैमसंग का फ़ोन है तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस को मैं दूसरे एक नेक्स्ट लेवल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक प्लस साइन दिख रहा होगा। यहाँ पर प्लस साइन में यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस दिखे, वहाँ पर आपको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डॉल्बी एटमॉस वाला ऑप्शन पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। और एक बार मैं करता हूँ, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस में मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो मूवी म्यूजिक वॉइस। तो यहाँ पर अगर आप मूवी देख रहे हो तो यहाँ पर मूवी पर लगा के आप मूवी देखो तो आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला है मूवी देखने वक्त। और यहाँ पर म्यूज़िक अगर आप कोई सुन रहे हो तो यहाँ पर म्यूज़िक मोड में लगाओ, और अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो तो यहाँ पर वॉइस पर लगा के आप सुन लो। तो यहाँ पर इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद मैं पीछे जा रहा हूँ। पीछे जाने के बाद यहाँ पर आप गेमिंग के लिए डॉल्बी एटमॉस यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन को आप ऑन करके रख सकते हो। और यहाँ पर आप न्यूक्लियर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप न्यूक्लियर में जाने के बाद पॉप, क्लासिक, जैज, रॉक, कस्टम। कस्टम में जाने के बाद आप आपके हिसाब से बेस को, ट्रेबल को, वोकल्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करने के लिए होगा जो कि डॉल्बी एटमॉस को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। उसके लिए आपको सैमसंग के स्टोर में जाना है। सैमसंग के स्टोर, गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको साउंड असिस्टेंट सर्च करना है। तो यहाँ पर मैंने साउंड असिस्टेंट को सर्च किया हुआ है। यहाँ पर मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ओके और एक बार मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कस्टमाइज्ड वॉल्यूम पैनल, तो ये जो वॉल्यूम पैनल है आपको इसे कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस करना है और यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मेक योर ओन वॉल्यूम पैनल कलर्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप इसे ये वाला ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पर आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम अप बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक एनिमेटेड जैसा आया है। तो इस तरह आप कोई भी एक टेक्सचर, यहाँ पर कंटेंट टाइप, तो इस तरह आप यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है। और यहाँ पर कंट्रोल टाइप, शेप भी आप बदल सकते हो। यहाँ पर इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद और भी कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर आपको थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद इस तरह बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप एक एक करके आप खुद करके देखो तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप एंड डाउन करते वक्त। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं इस तरह कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह दिख रहा है। तो मैं बैक में जा रहा हूँ। बैक में जाने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर आप कौन कौन सा एप्लीकेशन में कितना वॉल्यूम सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर वो जो जो ऐप है वो आप ऐड करके सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं पीछे आता हूँ। पीछे आने के बाद यहाँ पर आप मीडिया मैनर मोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसे टर्न ऑन करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप वाइब्रेट में रखते हो आपके फ़ोन को या साइलेंट में रखते हो तो अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजता है या यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे हो तो वो भी म्यूट हो जाएगा। कोई मीटिंग के अंदर बैठ रहे हो या स्कूल में या कॉलेज में तो यहाँ पर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजता है तो एक्सीडेंटली आपका वॉल्यूम बटन अप है तो यहाँ पर आप वो वाला वीडियो प्ले करने के लिए शुरू करोगे तो यहाँ वो वाला वीडियो से कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप टर्न ऑन करके रख सकते हो। ये उसके बाद कंट्रोल म्यूजिक विद वॉल्यूम कीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्पॉटिफाई में या जियो सावन में कोई गाना सुन रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको गाना को नेक्स्ट गाना में जाना है या प्रीवियस गाना में जाना है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम बटन के मदद से आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेक्स्ट गाना में जाना है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप बटन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो नेक्स्ट गाना में जाएगा। अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन पर प्रेस करते हो तो ये प्रीवियस गाना में जाएगा। तो इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरा जो फेवरेट ऑप्शन है वो है वॉइस चेंजर। तो अगर आप इसे ऑन करके रखते हो और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप साउंड सुन सकते हो।
तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिटिल गर्ल का ऑप्शन लगाता हूँ। लिटिल गर्ल का ऑप्शन में लगाने के बाद अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो आपके फ़ोन में या व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज रहे हो तो यहाँ पर इस तरह वाला साउंड आएगा। अगर आप लिटिल गर्ल का ऑप्शन लगा के रखा है तो यहाँ पर लिटिल गर्ल का वॉइस में जाएगा जिनको भी आप वॉइस मैसेज भेज रहे हो। नहीं तो अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो यहाँ पर मैंने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं आपको इसमें सुना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं आपको इसमें सुना के दिखाऊँ। तो इस तरह आप आपका साउंड भी चेंज कर सकते हो वीडियो बनाते वक्त या वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त या व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजते वक्त आपका आपका वॉइस को आप चेंज कर सकते हो इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह आप बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आप ज़रूर ट्राई करके देखो आपके फ़ोन में। अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो ये वाला ज़रूर ट्राई करके देखो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।